हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो ना सिर्फ आपका समय बचाएंगे, आपका पैसा भी बचाएंगे और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। तो नंबर वन टिप है, जब भी हम मार्केट से काले वाले अंगूर लेते हैं, काले या हरे वाले, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं जो कि नॉर्मल हम जब पानी से वॉश करते हैं तो वो नहीं जाते हैं। और हम इसे अगर ऐसे ही खा लें तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो इसके लिए एक खास टिप ये है कि जब भी आप अंगूर को वॉश करें तो सबसे पहले उसे नॉर्मल पानी से धोने के बाद उसे अलग अलग तोड़ लें और उसमें आप आधा चम्मच नमक और एक चम्मच सफ़ेद वाला सिरका, जो वाइट विनेगर हम लोग चाउमीन में डालते हैं, और उसके साथ ही साथ एक चम्मच बेकिंग सोडा, ये तीनों चीज़ आप उसमें डालेंगे। और उसके बाद हम इसे मिक्स करके थोड़ी देर रख देंगे और 15-20 मिनट बाद हम इसे अच्छे से फिर से वॉश करेंगे। और नॉर्मल पानी से धोने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंगूर एकदम से साफ हो गए हैं। कोई भी अंगूर हो, काले वाले या हरे वाले, या फिर टमाटर को वॉश कर रहे हो तो उन्हें भी आप ऐसे ही साफ कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारे ग्रेप्स की बात। ये देखिए, आप देख सकते हैं फ़र्क साफ नज़र आ रहा है, पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। तो अब ये खाने के लिए बिल्कुल सेफ़ है, तो इसी तरह से आप करिएगा। नेक्स्ट टिप है पूरियों के लिए। तो जब भी हम पूरी बनाते हैं तो अक्सर उसमें से भाप निकल के वो फट जाती है और उसके बाद उसमें ऑयल भर जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पूरी बनाएं तो उसके फूलते ही आप कढ़ाई में जो गर्म घी है वो उनके ऊपर डाल दीजिए। ऐसा करने से उसकी लेयर मजबूत हो जाती है और वो फटते नहीं है, और उसके बाद जब वो फटेंगे नहीं तो उसमें ऑयल भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये नेक्स्ट टिप है कि पूरियाँ बनाते समय कढ़ाई में आप जो घी है वो उसके ऊपर डालते रहिए पलटने के बाद, तो इससे आपकी पूरी फटेगी नहीं। ये तो थी पूरी की बात। सेम टेक्निक आप भटूरों के लिए भी यूज कर सकते हैं, भटूरों को बनाते समय उनके ऊपर से ऑयल डाल के। नेक्स्ट टिप है लहसुन के लिए। जब भी हमें लहसुन छीलना होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए ये टिप है कि आप रात में ही उसे भिगा के रख दीजिए और दिन में जब उसे मसलेंगे तो ऐसे उसका छिलका अपने आप अलग हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने रात में भिगा के रख दिया था और बहुत सारे लहसुन आप इस तरह से बहुत ही कम समय में छील सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे देखिए, लहसुन के छिलके अपने आप अलग हो रहे हैं, उनमें ज़रा सा प्रेशर डालेंगे हम तो उसके छिलके अलग हो जाते हैं और लहसुन अलग हो जाता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे लहसुन एक बार में छील के फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको यूज़ करना हो अपनी रेसिपीज़ में तो आप लहसुन को निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे समय की बहुत बचत होगी। टिप नंबर 4 है स्ट्रॉबेरीज़ के लिए। जब भी हम मार्केट से स्ट्रॉबेरीज़ लाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है और मन करता है कि बस वॉश करें और खा लें, पर क्या सिर्फ पानी से वॉश करने के बाद ये खाने के लायक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इन्हें नॉर्मल पानी से धोने के बाद ये देखने में तो बिल्कुल साफ लग रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे बग्स हो सकते हैं जो हम बिल्कुल खाना नहीं चाहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, इसके बाद मैं वाइट विनेगर डालूंगी और उसके साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूंगी। ये तीनों चीज़ों का रिएक्शन होगा और उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और मिक्स करने के बाद हम इसे 15-20 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसे फिर से वॉश करेंगे, जिससे कि इसमें थोड़ा सा भी जो भी विनेगर या बेकिंग पाउडर या सॉल्ट है वो निकल जाएगा और उसके बाद ये हमारे खाने के लायक हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्ट्रॉबेरी लाएं तो उसको पहले इस तरह से वॉश करके ही यूज़ करें। तो नेक्स्ट टिप है, जब भी आप आलूओं को बॉयल करते हैं तो अगर आप उसमें एक चम्मच नमक डाल दें बॉयल करते समय कुकर में, तो एक तो आपके आलू अच्छे से बॉयल हो जाएंगे और साथ ही साथ वो फटते नहीं हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम आलू बॉयल करते हैं और आधे आलू तो कुकर में ही फट जाते हैं, तो इस तरह से आलू वेस्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम नमक के साथ बॉयल कीजिएगा। हरी मिर्चों को जब भी हम स्टोर करते हैं तो कुछ समय बाद वो सूखने सी लगती हैं, तो अगर स्टोर करते समय हम उसकी डंठल को तोड़ के फ्रिज में
रखेंगे तो ये ज़्यादा समय तक हरी रहती हैं। तो फ्रिज में स्टोर करते समय नेक्स्ट टाइम आप हरी मिर्चों को तोड़ के रखिए, तो इस तरह से वो ज़्यादा समय तक फ्रेश रहेंगी। टिप नंबर 7 है हरी धनिया के लिए, कितना ही अच्छे से आप इसे स्टोर करके रखें, ये कुछ दिन बाद सूख जाता है। तो फ्रिज में इसको रखते समय अगर हम इसकी ये जो रूट्स हैं उनकी जड़ों को काट के अलग कर दें और उसके बाद हम इसे साफ पेपर में रैप करके रख देंगे तो ये काफ़ी समय तक फ्रेश रहती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप धनिया को स्टोर करें तो उसकी जड़ों को काट के और उसको एक साफ पेपर में या टिश्यू पेपर में लपेट के रख दीजिएगा और आप देखेंगे कि आपकी धनिया बहुत दिनों तक फ्रेश रहती है और इस तरह से कोई भी वेस्टेज नहीं होती है। टिप नंबर 9 है हमारी पालक के लिए, जब भी हम पालक को बॉयल करते हैं या सरसों का साग बॉयल करते हैं तो बॉयल करते समय अगर हम उसमें नमक के साथ साथ एक चम्मच चीनी भी डाल दें और उन्हें बॉयल करें तो ये बॉयल होने के बाद भी इनका कलर ख़राब नहीं होता है। बॉयल करते ही इन्हें फ़ौरन हमें ठंडे पानी में डाल देना है और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो हमें पीसना है और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका कलर पालक का ख़राब नहीं हुआ है। नेक्स्ट टिप है पनीर बनाने के लिए, तो अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप घर में तब भी बहुत आसानी से पनीर बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस दूध को बॉयल करना है और उसके बाद जब दूध एकदम बॉयलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तब हम उसमें वाइट वाला विनेगर डालेंगे और इसको इस बात का ध्यान रखना है कि दूध बॉयल हो रहा हो तभी हम उसको डालेंगे। अगर दूध बॉयल नहीं हो रहा हो और उसके पहले हम विनेगर डाल देंगे तो हमारा पनीर कुछ रबरी सा हो जाता है और वो अच्छा नहीं बनता है, और बॉयलिंग टेम्परेचर पे आने के बाद डालने के बाद हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो इस तरह से देखिए इसकी कर्डलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और पानी अलग हो गया है। तो अब हम इसको एक छन्नी से छान लेंगे और इसके बाद हम इसे एक कपड़े में या दुपट्टे में किसी भी चीज़ में बांध के इसका पानी निकाल देंगे और पनीर रेडी। लास्ट टिप है अंडों को बॉयल करने के लिए, तो बॉयल करते समय अगर आप उसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे तो अगर बाई चांस ये कोई अंडा फूट जाता है तो वो नहीं फूटेगा और पानी में फैलेगा नहीं। आई होप आपको आज की टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।